हमारी कहानी है बेशर्म बहू। मीनल अभी तक बाजार से घर नहीं लौटी थी। शाम को 6 बजने को आ चुके थे। ममता जी बार बार घर के बाहर जाकर देख रही थी। सुबह 10 बजे की मार्केट गई हुई है, लेकिन अभी तक के कोई अते पते नहीं थे। कई बार फोन भी ट्राई कर लिया, लेकिन फोन उठाया तब ना मीनल ममता जी की बहू है। अभी 3 महीने पहले ही उसके इकलौते बेटे तरुण के साथ शादी होकर इस घर में आई है, पर बहू जैसे कोई बात नहीं उसमें। हर बात में अपनी ही चलाती है। जब ममता जी अपने पति महेश जी के साथ उसे देखने गई थी, तो उसकी मम्मी ने उसकी तारीफों के बड़े पुल बांधे थे। मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भैया और भाभी हैं। भरे पूरे परिवार को देखकर उन्होंने ये सोचकर हाँ कर दी कि लड़की परिवार में ही रही है तो संस्कारी तो होगी ही। पर कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान। ठीक वैसे ही हाल मीनल का निकला। जैसे सब कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, ठीक वैसे ही ममता जी ने भी मीनल के लिए कहा था। लेकिन बेटी बनाकर रखना और बेटी होने में फर्क होता है, इसलिए महीन रेखा को मीनल नहीं समझ पाए। शादी के बाद उसने बहू जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाए। घर के काम ना करना, ममता जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना, ये उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात थी। अगर ममता जी समझाती भी तो मीनल बात को हमेशा उल्टा ही लेकर जाती। मैं तो आपकी बहू हूँ ना, इसलिए तो मेरे साथ हमेशा ऐसा व्यवहार होता है। क्या आप अपनी सगी बेटी को इतना रोकती टोकती? जब मुझे देखने आई थी तब कहा देना चाहिए था कि हम तुझे बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। ममता घर की शांति के लिए चुप रह जाती। महेश जी से बोलती तो महेश जी भी ममता जी को ही समझाते, अरे अभी बच्ची है, कुछ दिन में समझ आएगी, तुम थोड़ा सब्र करो। तरुण से कुछ कहती तो तरुण कहता, मम्मी आपके जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती थी, पर आजकल बेटियां होती हैं। थोड़ा वक्त दो, वो सब समझ जाएगी। आखिर जब पति और बेटा ही कह रहे थे तो ममता जी उसके आगे कुछ कह नहीं पाती, पर आज तो हद ही हो गई। सुबह तरुण और महेश जी के ऑफिस जाने के बाद से ही मीनल गई हुई थी, लेकिन अभी तक नहीं आए। ममता जी फोन कर रही हैं तो फोन भी उठा नहीं रही है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण हैं? आने दो उसे आज, आज तो साफ साफ बात करूंगी। ममता जी बड़बड़ाने लगी। इतने में तरुण और महेश जी भी घर आ गए। आते ही महेश जी बोले, अरे क्या हो गया श्रीमती जी, घर के बाहर खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हो? महेश जी के सवाल को सुन करके ममता जी उन्हें घूरते हुए बोली, यहाँ शाम हो चुकी है, लेकिन बहू अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। कह करके तो गई थी कि थोड़ी देर में आ जाती हूँ। अरे तो कोई काम होगा। मम्मी आप भी क्या चिंता करती हो, कोई छोटी बच्ची थोड़ो ना है, आ जाएगी। तरुण ने बीच में ही कहा, आ जाएगी से क्या मतलब, आजकल जमाना कितना खराब है, पता नहीं क्या कब से फोन लगा रही हूँ, कम से कम फोन तो उठाकर जवाब दे सकती है। भला ये कोई बात बेटी बहू के लक्षण होते हैं? तरुण की बात सुनकर के ममता जी खींचते हुए बोले, अच्छा अच्छा तुम दोनों माँ बेटे बात करो, मैं जाकर चेंज करके आता हूँ और थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा,
आपने श्रीमती जी महेश जी की बात सुन करके ममता जी बोली, हाँ हाँ सब्जी और दाल बना दिया है, बस रोटियाँ सेकना है। इतने में बाहर कैब आकर रुकी, उसमें से मीनल उतर कर आई तो उसके हाथ में काफी सारे शॉपिंग के बैग थे। अंदर आते ही बैग एक तरफ पटकर सोफे पर लेटते हुए बोली, आज तो सचमुच बहुत थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मजा आ गया। बहू तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? ममता जी ने बैग की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी जरूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल में से खूब अच्छे अच्छे साड़ियाँ लेकर आई हूँ, कुछ मेकअप का सामान है और डेली यूज के कपड़े लाई हूँ। मीनल ने ममता जी को जवाब दिया, पर तुम्हारी शादी तो अभी 3 महीने पहले ही हुई तो है, अभी तो कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो तुमने पहने ही नहीं हैं, फिर और शॉपिंग करने के क्या जरूरत थे? और मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ, तुम फोन तक नहीं उठा, जवाब तक नहीं दे रही हो मुझे, भला ये कोई बात है? मुझे चिंता हो रही थी, मम्मी जी मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौट कर आ ही जाती ना, जो आप बार बार फोन करके कर रही थे, कितना पेरेंट्स लग रहा था मुझे अपने दोस्तों के सामने, इसलिए मैंने फोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तो मुझे जिन चीजों की जरूरत थी मैं वो ले आई, इसमें बात का बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत पड़ गई? मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं रोका, मीनल ने बिगड़ते हुए कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी रोका नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा मायका था, यहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी, जी किया तो काम किया, नहीं तो छोड़ दिया, दो दो भाभियाँ थी संभाल लिया था उन्होंने, पर ये तो तुम्हारा ससुराल है, तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती, इस घर का भला बुरा सब तुम्हें सोचता है, आखिर अपनी जिम्मेदारियाँ कब उठाओगी? ममता ने मीनल की बात का जवाब दिया, जब मीनल चिढ़ते हुए बोली, लोग की बहुएं रूठ कर मायके जाकर बैठ जाती हैं, पर मेरी तो सास रूठ कर मायके जाकर बैठ गई। मम्मी जी फिर तो आपको शादी से पहले बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम बहू को बेटी बना कर रखेंगे, इतना रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी ने भी नहीं की, इतना आप टोकती हैं, कहकर मीना कमरे में चली गई। ममता जी ने उदास होकर तरुण की तरफ देखा, तो तरुण उल्टा ममता जी को समझाने लगा, मम्मी आप ही चिल करो ना, कोई सास बन रही हो, 7 ही तो बजे हैं, आ तो गई टाइम से, आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे साथ ही इस तरह से एक कहकर तरुण भी अपने कमरे में चला गया। ममता जी को बहुत बुरा लगा, उदास मन से ममता जी कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर महेश जी बोले, ममता तुम्हें नहीं लगता कि तुम मीनल के सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है, अच्छा खासा घर में शांति थी, बेवजह तुमने हंगामा करा दिया। उनकी बात सुन करके ममता जी बोली, आपको भी लगता है कि मैं मेरी ही गलती है? बहू का यूं लेट तक आना, मेरा फोन ना उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी ना लेना, ये तो गलत है ना? अरे तुम छोटी सी बात को क्यों बड़ा बना रही हो? अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो, कहते कहते महेश जी चुप हो गए, पर ये बात ममता जी के दिल पर जा लगी। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं,
पर अपना मोबाइल लेकर बाहर बरामदे में आ गए। घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए अपने एक सहेली अनु को फोन लगा दिया और बातों ही बातों में मीनल के बारे में बता दिया। अब अनु ने कहा, देख ममता, बहू और बेटी के बीच में फर्क होता है, यह बात तो मीनल को समझना ही पड़ेगा। और रही बात महेश जी की और तरुण की, तो जब तक इंसान को पका पकाया मिल रहा है, तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएगा। महेश जी और तरुण के सारे काम तो तू कर देती है, इसलिए उन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा कि मीनल घर का काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है या नहीं। तुझे खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, तभी तू खुद की मदद कर सकती है। अनु की बात धीरे धीरे ममता जी को समझ में आने लगी थी। उन्होंने फोन कट करने के बाद कैब बुक किया और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर अपना सामान एक बैग में पैक करने लगे। उन्हें सामान पैक करते देख करके महेश जी ने कहा, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ भाई, कितने दिनों से बुला रहा था, सोचा कुछ दिन वहीं रहकर आऊंगी। उनकी बात सुन करके महेश जी हैरान होते हुए बोले, अरे अचानक मायके जाने की क्या लगी तुम्हें, और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया, रोटियां कौन सेकेगा? अरे आपकी लाडली बेटी ना, उसे बोलो। अब क्या महेश जी जिम्मेदारी में ही निभाती रहूंगी? ओह, तो लगता है बात का बुरा लग गया, इसलिए अब ये तमाशा कर रही हो। इसमें तमाशा की क्या बात है, अभी मैं अपने मायके जाती तो क्या मेरी बेटी मुझे मायके जाने से रोकती? वही तो पीछे से पूरा घर संभालती। अब तुम बेवजह की बातें कर रहे हो तुम, लेकिन ममता जी ने महेश जी की बात को पूरा होने नहीं दिया। वो चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। तब तक कैब भी आ चुके थे। इतने में तरुण और मीनल भी बाहर आए। तरुण ने आते हुए कहा, मम्मी खाना बनना। ममता जी को बैग के साथ देख करके तरुण ने बात को पलट कर पूछा, आप कहीं जा रही हो? हाँ, मैं कुछ दिनों तुम्हारे मामा जी के घर रहने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे मायके गए हुए, लेकिन सोचा था थोड़ा चेंज हो जाएगा, कहकर ममता जी बिना किसी बात की सुने ही वहाँ से रवाना हो गए। ममता जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए। मीनल महेश जी से कुछ कह नहीं पाया और तरुण को घूरते हुए रसोई में आ गए। रोटी सेक कर सबको खाना खिलाया और फिर खुद खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गए। यहाँ तक कि न रसोई साफ की और न ही बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह के 5 बज गए, लेकिन किसी की नींद तक नहीं खुली। अचानक तरुण हड़बड़ा कर उठा और मीनल को जगाते हुए बोला, मीनल जल्दी उठो, सुबह के 8 बज चुके हैं, आज तो बहुत देर हो गई, अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाएगा, पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं, तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ, कहकर तरुण अपने पापा के कमरे की तरफ भागा। तब तक मीनल भी चिड़चिड़ा कर उठी और तमाशा ये है, मम्मी जी को भी मायके जाने जरूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक नहीं गया, नींद खराब हो गई मेरी, अब रसोई में घुस करके नाश्ता और बनाओ। तरुण ने जाकर देखा तो महेश जी भी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर मीनल रसोई में गई तो
रात की ही बिखरी पड़ी हुई थी, बर्तन जूठे पड़े हुए थे। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या बनाए। इतने में तरुण रसोई में आया और बोला, मीनल का कमलाबाई का फोन आया था, वो आज भी नहीं आ पाएगी, इसलिए घर के साफ सफाई भी तुम्हें ही देखनी है। तरुण, मैं ये सब कैसे करूँगी, रसोई बिखरा पड़ा है, रात के जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, ऊपर से तुम कह रहे हो काम वाली भी नहीं आएगी। पिछले 3 दिनों से वो छुट्टी ले रही है और कितनी छुट्टी लेगी, मुझे नहीं होगा ये सब। या तो तुम यहाँ रुको, मेरी मदद कराओ, वरना मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी, मीना चिड़चिड़ाते से बोली। उसकी बात सुन करके तरुण एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया और फिर बोला, मीनल, मम्मी भी तो ये सब अकेले ही संभालती थी, तुम तो कभी उनकी मदद भी नहीं करवाती थी, मुझे नहीं पता ये सब, तुम्हारी मम्मी ने ये सब जानबूझकर किया है मुझे परेशान करने के लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। मीनल बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसकी ये बात महेश जी ने भी सुन ली। वाकई उन्हें काफ़ी हैरानी हुई कि बहू एक दिन घर नहीं संभाल पाई रही, जब तक कि वो और तरुण उसके साथ देते थे। तब महेश जी तरुण से बोली, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा, आज तुम घर पर रहकर मीनल की मदद करवा दो। कह करके महेश जी घर से बिना चाय नाश्ता किए रवाना हो गए। इधर मीनल ने अपनी मम्मी को फोन लगाया ये बताने के लिए कि वो मायके आ रही है, तो उसकी मम्मी ने पीछे से आवाज़ अचानक, कैसा मायके आ रही है, सब ठीक तो है? यह कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी, मेरी सास तो रूठ करके मायके जाकर बैठ गई, पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। सच बोलने में तो और करने में बहुत फर्क होता है। बड़बड़ाती हुई मीनल ने कल का पूरा किस्सा अपनी माँ को कह दिया। उसकी बात सुन करके उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा तो तू काम के डर से भाग ही आ रही है, तुझे तो मेरे जैसे सास मिलनी चाहिए थी, जो बहुओं को डांट फटकार कर एक तरफ बिठा कर रखती है, खबरदार जो तू मेरे घर आई तो। मेरी बात सुन सुनकर मेरी बहुएं बिगड़ जाएंगी और मेरे सिर पर चढ़कर नाचेंगी। मम्मी, आप मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही हो, मीनल हैरान होते हुए बोली। क्यों ना रोकूं तुझे, अपना घर संभाल नहीं पा रही है और मेरे घर में आ कर आग लगा देगी, इज्जत से आए तो तेरा स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर आई तो तेरे मेरे घर में घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। कह करके उसकी मम्मी ने फोन रख दिया। मीना हैरान रह गई कि उसकी मम्मी उसे ये जवाब दे रही है। तब वो मजबूरन उस घर का काम करने था, इसलिए रसोई में पहुंच गए। मीना को काम करता देखकर तरुण की जान में जान आई और वो भी घर के साफ सफाई में उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिल करके ही घर के काम किए था, लेकिन उसमें ही दोनों थक गए, इसलिए दोपहर का खाना दोनों ने बाहर से मंगवाए। लेकिन शाम आते आते तक उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए महेश जी आते समय ममता जी को मना कर अपने साथ ही लेकर आए। ममता जी के घर आते ही मीनल और तरुण ने भी उनसे माफ़ी मांगी। आखिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। यहाँ तो कहानी थी, इसलिए आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर सच्चाई तो इससे काफ़ी परे होती है।